हेलो, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज के इस वीडियो में बहुत प्यारा हैंड कास्टिंग करने वाले हैं, साथ साथ एक छोटा सा बॉक्स बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे मैंने जैग्स इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। इनका इंस्टा पे पेज भी है जैग्स इंडिया के नाम से। तो आप भी इनसे जितनी भी क्राफ्ट सप्लाईज है ना, सारा कुछ इनके पास अवेलेबल है, तो आप भी जाके देखो। तो मैंने यहाँ पे एक हैंड मोल्डिंग कास्टिंग का किट मंगा लिया, कुछ वुडन बीड्स है, साथ साथ क्ले टूल है यहाँ पे मेरे पास। उसके साथ मैंने यहाँ पे क्लियर ग्लू भी ऑर्डर किया था, 3D कोन लाइनर, मार्बल पाउडर और यहाँ पे जस्सो भी क्लियर जैसे ऑर्डर किया था। साथ साथ एयर ड्राई क्ले का मतलब एक पैकेट मैंने ऑर्डर किया था, कुछ ब्रश ऑर्डर किए थे और कुछ साथ साथ स्टेंसिल भी ऑर्डर किया है, जो कि ये चार साथ में आते हैं। तो मुझे इस तरीके मतलब लेटर्स वाले स्टेंसिल काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और साथ साथ ब्रिक वाले स्टेंसिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जैग्स इंडिया से मंगवाया है, तो आप जाके ज़रूर देखना। तो चलिए इनसे धीरे धीरे करके बनाते हैं चीज़ें। तो अभी तो मैं फिलहाल बनाने वाली हूँ हैंड कास्टिंग मोल्डिंग का किट यूज़ करके, एक बहुत प्यारा सा हैंड कास्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से किट आ जाएगा आपको पूरा और इसी बाल्टी में मतलब सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी सारी चीज़ें जो भी इसमें यूज़ होने वाली है। लेकिन इसका ये जो ढक्कन था ना ऊपर का लिड, काफ़ी ज़्यादा रिजिड था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई खोलने में, लेकिन फिर मैंने खोल ही लिया, ठीक है। तो इसमें दो पाउडर आते हैं, एक मोल्डिंग पाउडर आएगा और एक कास्टिंग पाउडर आएगा। साथ यहाँ पे दो मास्क भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ के तभी काम करना है। सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे ना ये जो पाउडर है, ये सबसे पहले हम लेंगे मोल्डिंग पाउडर। मोल्डिंग पाउडर है 500 ग्राम का, ठीक है। तो इसमें 1500 ml वाटर लेना है, तो मैंने अच्छे से मेजर कर लिया और यहाँ पे अच्छे से आपको वैसलीन लगा लेना है, अच्छे से बिल्कुल लगाना है, ठीक है। और ये जैसे जैसे मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करना है और एक मिनट में आपको पाउडर को मिक्स करना है। तो आप स्टॉप वॉच रखो और जब मिक्स करोगे तो ये पिंक रहेगा, जब कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा तो इसका कलर चेंज होकर येलो हो जाएगा, ठीक है। अब ये पिंक है और इसको मिक्स करते करते येलो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको विस्कर की हेल्प से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बहुत जल्दी करना है, एक मिनट में आपको करना है, तो ये सेट होने लगेगा। और फिर अच्छे से, इसलिए मैंने बोला पहले ही वैसलीन लगा लो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने अब्बा के साथ, तो उनके साथ मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो इस तरीके से ये तुरंत में ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और आपको छूते ही मतलब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके आप निकालो, मतलब आपको लगेगा ना कि एजेस आपके हाथ को मतलब छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है अब निकालना है। तो आप टच करके देख लो, इसको निकाल लिया। अब चलिए, अब यहाँ पे जो पाउडर है कास्टिंग पाउडर, उसको मिक्स करना है। उसको हमें 360 ml वाटर में मिक्स करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मिक्स करो, इसका मिक्सिंग टाइम 2 मिनट है, आप 2 मिनट धीरे धीरे करके मिक्स कर लो। फिर उसके बाद आपको इसमें अच्छे से डालना है, थोड़ा सा डाल के पहले चारों साइड थोड़ा सा घुमा के इसको सेट करना है कि हर कॉर्नर पे अच्छे से चले जाए। और उसके बाद डैब डैब भी करना है कि जितने भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। काफ़ी इजी है, लेकिन आपको बस और बस पाउडर को मतलब जो आप कास्टिंग पाउडर है उसको 1 मिनट में आपको मिक्स करना होगा, नहीं तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ दिया, 5 घंटे में ड्राई हो जाता है, अच्छे से ड्राई हो गया। एजेस को अच्छे से स्क्रैच करो और फिर उसके बाद इसको डैब डैब करके निकाल लीजिए। ये अच्छे से निकल गया बहुत ईजिली और इसको ना काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस है ये, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको इससे निकालने में, डीमोल्ड करने में। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप ऊपर में हल्का सा नाइफ से कट कर लो और फिर धीरे धीरे इस तरीके से निकालो, ध्यान दे के आपको निकालना है ताकि आप मतलब जो आपका अंदर वाला हैंड कास्टिंग है ना वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से इसको निकालते जाओ और मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना ये प्रोसेस में, मतलब मुझे तो थोड़ा सा डाउट भी था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो काफ़ी अच्छा ये जो पार्ट दिख रहा है ना, मतलब ये देखें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं अंदर का क्या है। वाओ, इसमें सारी डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से आई है। आप देखो, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बन जाएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिक्स कर दिया था कास्टिंग पाउडर में। तो आप ध्यान देखिए 360 ml ही करना, तो इसलिए मेरा थोड़ा टाइम लगा और ये बन के रेडी हो गया है अच्छे से। आप इसको इस तरीके से, मैंने वुडन स्टैंड पे इसको रखा है, आप चाहो तो मतलब इस तरीके का मतलब स्टैंड भी बना सकते हो क्ले की हेल्प से या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से। तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ना मैं इसको ऐसे नहीं रखने वाली हूँ, मैं इसको पेंट करने वाली हूँ। तो आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो पेंट भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं अब इसको पेंट। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना कि कुछ अलग तरीके का पेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले ब्लैक बेस कोट दे रही हूँ, फिर सिल्वर पेंट को लेके हल्का हल्का इससे ना हाईलाइट करी हूँ, ठीक है। पूरे में नहीं घुसाना है, इसको हल्का हल्का हाईलाइट करना है ताकि जो भी इसके पैटर्न है, जो भी डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखे। फिर मैं अपने नेल्स में रेड कलर की नेल पेंट लगा रही हूँ और जो मैं फिंगर रिंग पहनी रहती हूँ ना उसका मैं उसी कलर का बिल्कुल पेंट करी हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन टाइप का पेंट करी हूँ जैसी ये रिंग थी, और इस तरीके से बन के रेडी हो गया। लग रहा है ना कितना ज़्यादा प्यारा और यूनिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताया करिए, और कुछ भी अगर ऐसा बनाते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर से शेयर किया करिए। मेरा इंस्टा का हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देखो, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। तो इसी बकवास के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा सा ग्लू और वाटर को मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट बना लिया, और ये जो मेरी स्टेंसिल है ना उसका यूज़ करेंगे। ये बॉक्स भी मैंने जैग्स इंडिया से ही ऑर्डर किया था, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा बॉक्स है, तो इसको ही डेकोरेट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेंसिल रखते हैं, तो ये वाली स्टेंसिल ना मेरी फेवरेट है, मुझे काफ़ी
ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से जब भी आपको स्टेंसिल करना है उसको अच्छे से पकड़ना है, या फिर आप मास्किंग टेप से पहले सिक्योर करो, वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एक ही बार में उसको हटाना है, फिर धीरे से इस तरीके से आप हटा दो, साइड के कॉर्नर को अच्छे से इवन कर दो। उसके बाद मैं साइड में भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, दोनों साइड पर करूँगी और ऊपर के पार्ट पर करूँगी, ठीक है। तो मुझे बॉक्स काफ़ी क्यूट लगा तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और साथ साथ यहाँ पर जैक्स की मैं यूज़ कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले, तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से इसमें क्या होता है, ऊपर में एक प्लास्टिक होती है उसको भी आपको रिमूव करना होता है, और जितना भी लेफ्ट ओवर पार्ट होता है ना इसका, उसको आपको अच्छे से एक मतलब एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा या फिर एयर बैग में रखना पड़ेगा, अच्छी वाली जिप लॉक वाली बैग में, ताकि ये ड्राई ना हो। फिर इस तरीके से आप पानी से इसको स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रोज़ की पेटल्स बना रही हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं एकदम नॉर्मल सा बना रही हूँ, मतलब सिंपल कोई भी बना सकता है, मतलब बिगनर्स के लिए है ये। तो बिल्कुल सिंपल से पेटल्स इस तरीके से आप थोड़ा सा करके बना लो, और थोड़ा सा मुझे इसको रफ़ लुक देना है, जैसे मतलब गुलाब की पत्ती में होता है ना, ऊपर वाली जो पंखुड़ी होती है उसमें थोड़ा कहीं कहीं पे टूटी टूटी भी रहती है, तो उस तरीके से मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल सा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं इसको चिपका रही हूँ, मतलब इसको मैं डायरेक्ट हल्का हल्का पानी लगा के चिपका दे रही हूँ, इजली चिपक जाती है। और उसके बाद नीचे ग्लू से इस तरीके से सेट कर देंगे। तो मैं कॉर्नर में सोच रही हूँ 2-3 रोज रखूँगी इस तरीके का, और कुछ लीफ। तो मुझे बहुत दिनों से इस तरीके का छोटा सा बॉक्स बनाना था, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। इसका साइज़ इतना छोटा सा है ना, क्यूट सा, आप किसी को भी इसमें एक ईयरिंग गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। ईद के लिए आप अगर कुछ कर रहे हो तो किसी भी हैम्पर में आप डाल के दे सकते हो, मतलब इस तरीके का कुछ भी गिफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से साइड में मैंने थोड़ी सी लीफ बना दिया, और उसके साथ साथ थोड़ी सी इसमें डिज़ाइन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मतलब ताकि रियल लगे, थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ ना थोड़ी ख़राब हुई हुई है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं मतलब बहुत मुश्किल से आवाज़ रिकॉर्ड करी हूँ, वॉइस ओवर करी हूँ, तो थोड़ा सा उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी सी भद्दी लग रही होगी सुनने में, उसके लिए सॉरी। तो चलिए इस तरीके से मैंने साइड साइड में 2 लीफ ऐड कर दिया है, और मैं साइड में एक और छोटा सा यहाँ पे रोज़ लगा रही हूँ। और इस तरीके से सारा कंप्लीट हो गया था, अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसा रखने जा रही हूँ इस बार, थोड़ा मॉडर्न काइंड ऑफ, ठीक है, मॉडर्न और एंटीक मिक्स, ठीक है। तो इसको मैंने ब्लू कलर से पहले पेंट किया, और इसका जो हिंज और लॉक है ना उसमें मैं पेंट नहीं करूँगी, क्योंकि उसका लुक अच्छा लग रहा है, काफ़ी एंटीक है, तो उसको मैं छोड़ दूँगी। तो इस तरीके से उसको बचा के मैं थोड़ा 0 नंबर वाले ब्रश का यूज़ करके डिटेलिंग ऐड कर दे रही हूँ पेंट अच्छे से। उसके बाद ये कम्प्लीटली ब्लू करेंगे, अंदर भी करेंगे अच्छे से, बाहर भी करेंगे। तो दोनों साइड पर मैंने इस तरीके का मतलब स्टेंसलिंग कर दिया है, और बीच में बिल्कुल खाली है। और इस तरीके से अब इसको मरून कलर से मैं पेंट कर रही हूँ, रोज़ को मरून करूँगी और इसको ग्रीन करूँगी। तो मैं एंटीक के साथ साथ थोड़ा इसको ना मतलब कलरफुल भी बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट में बोलते हो कि मैं कलरफुल DIYs ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन आप देखो कि अब तो मैं कितने ज़्यादा कलरफुल DIYs बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, उन लोगों की बात को भी रखना चाहिए, तो मैं सबके लिए बनाती हूँ DIY। तो इसीलिए मैं सारे के कमेंट में पढ़ती हूँ, और उसके बाद उसे जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो थोड़ी सी और यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा शेडिंग ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा डार्क मरून लेके। उसके बाद मेटालिक वैक्स से इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करते ही इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, मेटालिक वैक्स से हल्का हल्का लेके आप इसको हाईलाइट कर दीजिए, तो पूरा लुक एकदम मतलब तुरंत में इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया, और वार्निश से ज़रूर से इसको सिक्योर करेंगे, क्योंकि विदाउट वार्निश ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं वार्निश का प्रोसेस हर बार नहीं दिखाती हूँ, लेकिन कुछ भी DIY बनाना है तो आपको वार्निश ज़रूर से अप्लाई करना है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा दिनों तक चले। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कूल लग रहा है। आप किसी को भी गिफ्ट करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद आएगा। तो आप इसमें ईयरिंग डालो, जो भी डालो, और छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बना के आप गिफ्ट कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा आज का DIY आप ज़रूर से मुझे बताइएगा, ठीक है। आप मतलब कमेंट क्या करो, आप कमेंट में मुझे बताया करो कि आपको पसंद आया नहीं आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।